से भी अब टीम लौट चुकी है। एडियन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर से टीम वापस लौट चुकी है। आपको बता दें कुछ देर पहले ही दफ्तर से भी टीम लौटी है और एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब एडियन चीफ के घर से भी ये टीम अब रवाना हो चुकी है, लौट चुकी है। आईटी की टीम बैरंग यहां से लौटी है। तो एक बड़ी खबर भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें ब्रजेश मिश्रा के घर से बैरंग लौटी है आईटी की टीम और एडियन चीफ के घर से बैरंग लौटी है। एडियन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर से वापस लौट गई है। इससे पहले वीरेंद्र सिंह के घर से भी बैरंग वापस लौटी थी टीम। आपको बता दें गोरे गुलाटी के घर से भी टीम वापस लौट चुकी है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अभी तक एडियन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर यह टीम मौजूद थी। 37 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब ये टीम रवाना हुई है। 37 घंटे से ज्यादा समय बीता लेकिन उसके बावजूद टीम के हाथ खाली रहे हैं। बैरंग ये टीम वापस लौट गई है। कल सुबह 8 बजे ये टीम यहां पर पहुंची थी, छापेमारी के लिए पहुंची थी और अब जाकर के एडियन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर से ये टीम रवाना हुई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें बैरंग आईटी की टीम वापस लौटी है, आईटी की टीम बैरंग वापस रवाना हो गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगभग 37 घंटे से ज्यादा का समय यहां पर मारी की गई, कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी कल यानी कि सुबह 8 बजे आईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और एडियन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर से भी अब बैरंग ये टीम वापस लौट चुकी है। देखिए उत्तर प्रदेश में भारत समाचार चैनल के जिन ठिकानों पर छापा मारकर ये कोशिश की गई कि इसको बदनाम किया जाए और इसकी आवाज को दबा दिया जाए, अब ताजा स्थिति यह है कि भारत समाचार के एडिटर ब्रजेश मिश्रा जो उत्तर प्रदेश नहीं देश में जिनके करोड़ों लोग जिनको सुनते हैं, गरीबों और मजलूमों की जो आवाज उठाते रहे हैं, कोरोना काल में जो लोग मर गए उनके माँ बाप बच्चों भाई बहन उनका दर्द गांव गांव टीम भेज कर उन्होंने जो दिखाया वो ऐसा लगता है कि सरकारों को बात पसंद नहीं आई और यही वजह है कि उन्होंने हैरेसमेंट की ये कार्रवाई की। 37-38 घंटे उनके घर पर जिस तरह से कागजी खाना पूरी के नाम पर परेशान किया गया महिलाओं को, बच्चों को और पूरे परिवार को, वो अपने आप में ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, काला दिन है। बिल्कुल ब्रजेश मिश्रा उत्तर प्रदेश की उस उदयमान सूरज की तरह पत्रकारिता जगत में जी। जिनके नाम की लोग कस्में खाते हैं। ब्रजेश मिश्रा ने जीवन में गरीबों की मदद को ही अपना संकल्प बना रखा है और भारत समाचार के माध्यम से वो इस संकल्प से हजारों लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको उनकी मदद करते हैं। आज जनता की आवाज उठाने पर इस तरह की कार्रवाई का सामना उनको और उनके परिवार को करना पड़ा, उनके साथियों को करना पड़ा, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं आई है जी। बिल्कुल ना तो भारत समाचार चैनल के किसी कर्मचारी में कोई डर आया है, वो पूरी ताकत से पूरी हिम्मत से पूरी मेहनत से जनता के काम लगातार करते रहे हैं। सरकार को ये सोचना होगा कि लोकतंत्र में वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, उसे भी किसी दिन विपक्ष में आना पड़ेगा। वो काम वो जुल्म दूसरों पर मत करो जो तुम खुद ना सह सको। बिल्कुल क्योंकि ये दर्द सबको मिल सकता है और जो निर्दोष है अगर उनके साथ आप जुल्म और ज्यादती करेंगे तो इसकी सजा ऊपर वाला देगा। बिल्कुल भारत समाचार ने मीडिया के क्षेत्र में तमाम आयाम स्थापित किए हैं कम समय में, सिर्फ जनता की ताकत के बल पर, दर्शकों के बल पर, उनके स्नेह के बल पर। हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन भारत समाचार के साथ जनता है, उसका प्यार है, उसकी ताकत है जो हमें चला रही है। आज ब्रजेश मिश्रा देश के नामी पत्रकारों में शुमार है। बिल्कुल उनके पास हजारों फॉलोअर लाखों फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर, उनकी आवाज को सुनने के लिए लोग दीवाने हैं देश और विदेश में। बिल्कुल तो ऐसे शख्सियत से सरकार को क्या तकलीफ है, क्यों उनके घर पर छापे डालकर इस तरह से बच्चों को, महिलाओं को और इस संस्थान की प्रगति को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब लोग, जब भारत के संविधान में चौथे स्तंभ को स्वतंत्रता दी गई है वो जनमानस की आवाज सके इसके लिए उसको बनाया गया है, ऐसे में उस जब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो मनोबल तोड़ने के लिए की जाएगी। बिल्कुल लेकिन मनोबल टूटेगा नहीं। ब्रजेश मिश्रा के घर से 35 घंटे के करीब बाद
आईटी की टीम गई है, बैरंग गई है, जितने हमारे सहयोगी हैं उनके घरों पे छापा पड़ा था। हमारे डायरेक्टर्स हैं, संग्राम सिंह हैं, गोरे गुलाटी हैं, अंबे सिंह हैं, इन सबके घरों। बिल्कुल वीरेन जी, भारत समाचार का हमेशा प्रयास रहा है कि भारत समाचार हमेशा सत्य दिखाए और हमारी टैगलाइन भी यही है, सत्यमेव जयते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्य को दबाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से 37 घंटे से ज़्यादा ये कार्रवाई की गई, सत्य को दबाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी आज भारत समाचार को हाथ लगी है। बैरंग लौटी है आईटी की टीम। वीरेन जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एडिटर इन चीफ के घर से भी अब टीम रवाना हो चुकी है। 37 घंटे से ज्यादा यहां पर कार्रवाई की गई, बच्चों को परेशान किया गया, महिलाओं को यहां पर परेशान किया गया है और अब आईटी की टीम वापस बैरंग लौट चुकी है। आपको बता दें कुछ ही देर पहले भारत समाचार के दफ्तर से भी आईटी की टीम बैरंग लौटी है और स्टेट हेड वीरेन सिंह के घर से भी ये टीम बैरंग लौट चुकी है, डायरेक्टर्स के घर से भी ये टीम बैरंग लौट चुकी है, गोरे गुलाटी के घर से वापस लौट चुकी है, संग्राम सिंह के घर से वापस लौट चुकी है, बैरंग ये टीम वापस लौटी है। आपको बता दें 37 घंटे से ज्यादा यहां पर कार्रवाई की गई।